कथा चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करना, प्रयास करना। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उठाकर जल चढ़ाएंगे। आप भी बना लो एक नियम कि बैसाख महीने की शिवरात्रि जो भी शंकर भगवान को अपने दिल की बात कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, धन वैभव संपदा के लिए, समृद्धि के लिए मुझे भी जल चढ़ा, मैं भी जल चढ़ा। एक लोटा पानी शिव जी को, उसमें बेलपत्र डालने के बाद हेड में उस जल को, या कोई मट्टी का सकोरा हो, बर्तन हो, घड़ा हो, कलश हो, उसमें भरा हुआ रखा हो, वो तांबे के पात्र में डाल लो, उसको ले जाकर चढ़ा। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर असाध्य रोग, जैसे ऐसा रोग हो जो समाप्त नहीं हो रहा हो, कैंसर, किडनी, लीवर, या किसी का डायलिसिस चल रहा हो, या लीवर काम नहीं कर रहा हो, या शरीर की कोई हड्डी जुड़ नहीं रही हो, तो जो जल शिवजी को लोग चढ़ा रहे हैं वो जल को आचमन कर लेना। और आचमन शंकर भगवान की छोटी बेटी अशोक सुंदरी के नाम से करना, उसका आचमन केवल अशोक सुंदरी के नाम से। और शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी नंदनवन में पैदा होती है, जन्म लेती नंदनवन में, जन्म लेती नंदनवन मतलब काशी। घर के छोटे बच्चों को भी बोलो, बड़ों को भी बोलो, बुजुर्गों को भी बोलो, चलो एक लोटा पानी चढ़ा के आते हैं, चलो। अगर कैंसर का रोग है, या किडनी, या लीवर, या बुखार, पेट से जुड़ा हुआ, सिर से जुड़ा हुआ, कंधे से जुड़ा हुआ, या घुटने से जुड़ा हुआ, या रीढ़ की हड्डी में कहीं पानी भरा गया हो, या कमर झुक रही हो, कोई भी रोग उधर से लेकर शरीर के अंदर नहीं भागता है और वो बेकार होगा, तो बैसाख का महीना चल रहा है, राकेश देवी जी, बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन, बैसाख के महीने की जो शिवरात्रि आई है, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो बैसाख की जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा बेल का फल मिल जाए, उस फल का थोड़ा सा भाग, या तो बेल का फल का अगर छिलका मिल जाए तो उसमें पानी भरकर तांबे के लोटे में डाल लो, या बेल का फल नहीं मिले तो बेल पत्री को लेके उसमें डुबो दो और डुबो के बेल पत्री को बाहर निकाल दो। वो पानी भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की जो शिवरात्रि है, बैसाख के महीने में प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में शंकर भगवान को अपना रोग और बीमारी को लेकर शंकर भगवान को जल समर्पित कर जाओ, बाबा पर विश्वास रखकर चलना, धीरे धीरे ठीक हो जाओ। शिव की कृपा, भगवान शिव की कृपा, सुबह के समय जाकर। और अगर बेलपत्री का पानी नहीं मिले तो मिट्टी के पात्र का पानी, आपको कथा में कहा मिट्टी के पात्र का पानी, वो भी शंकर भगवान को समर्पित कर सकते। जल बैसाख के महीने में शंकर पर शीतल जल समर्पित कर देने से शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं, वो रोग टिकता नहीं। और अगर शीतल जल का दर्शन करना हो तो कभी महाकालेश्वर या कभी आप लोग लाइव दर्शन करते हो महाकाल के, तो महाकाल के दर्शन करेंगे तो बैसाख महीने में 5-5 घड़े मिट्टी के महाकाल राजा के ऊपर बांध दिए जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। कभी आप लोग चकलेश्वर महादेव जाए मथुरा वृंदावन में गिराकी की परिक्रमा, चकलेश्वर महादेव पे 5-5 मिट्टी के घड़े शिवजी के ऊपर बांध दिए जाते हैं। कभी काशी जाए तो वहां पर मिट्टी का घड़ा शिवजी के ऊपर रख दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के पात्र का जल जब बैसाख के महीने में शिव पर गिरता है तो जो उस जल को समर्पित करता है वो रोग से मुक्त हो जाता है, बड़ी बीमारी में घिरता नहीं। जयंत ब्राह्मण के मुख से श्रवण कर लिया था कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का, या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में, मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा चढ़ी होगी ना, उसी बेलपत्र को धोकर फिर
जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन, वैभव, संपदा, सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है, या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। शंकर कह रहे हैं, माँ उमा से, माँ पार्वती से मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक बीला, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है, और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और हजार अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते, मात्र फल चढ़ाता, मात्र फल चढ़ाता। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, हे पार्वती, फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है, वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये माँ उमा से कर, तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले, तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है बैसाख के महीने में, उस चढ़े हुए, बाकी का आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना, बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखा कर जिस व्यक्ति को पत्थरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए, पत्थरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ रहे। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर उसकी महत्वता है। वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। अब मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है, देखा है आप लोगों ने? बोलो जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है वो आप मंदार का, आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है, आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल, नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही, कुछ गड़बड़ होने वाला, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए, आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी, आपको फंसना नहीं, परेशान नहीं। मंदार सफेद आंकड़े का पुष्प भी भगवान शिव को समर्पित होकर, जैसे बेले के फल का गुर्दा, बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का, वो गुर्दा उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर छान कर जब जब आपके यहां विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में बेलपत्री, धतूरा, दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म, लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, भस्म अभिषेक में चाहिए रहती है, तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर रहे हैं। महाराज, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर
हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छाओं में, बेलपत्री के वृक्ष की छाओ आप कामना कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। फल मनवांछित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हैं, ईश्वर महादेव जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं, उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाता है। श्रम्भेश्वर महादेव एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है श्रम्भेश्वर महादेव का, मदिरा पीने वालों के लिए, मांसाहार व्यसन में, जुए में, पेशावृत्ति में, परनारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए, पहले की कथा में उसका वर्णन किया है बेलपत्री में। श्रम्भेश्वर महादेव एक बार सब बोलेंगे, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव, फिर जम के बोल लो एक बार, श्रम्भेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है तो श्रम्भेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए, श्रम्भेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते महाराज जी श्रम्भेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जा, कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे, अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव का। साथ की शिवरात्रि आ रही है, छोड़ना मती, बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना और वो जल जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध पड़ रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा जल जरूर चढ़ा के आना, शिव को नमन कर आना, ये मौका नहीं मिलता। बैसाख महीने की शिवरात्रि देवी शंकर भगवान को अपने दिल की बात कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, धन वैभव संपदा के लिए, समृद्धि के लिए मुझे भी जल चढ़ा, एक लोटा पानी शिव जी को उसमें बेलपत्र डालने के बाद भरने, उस जल को या कोई मट्टी का सकोरा हो, बर्तन हो, घड़ा हो, कलश हो, उसमें भरा हुआ रखा हो, वो तांबे के पात्र में डाल लो, उसको ले जाकर चढ़ा। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर असाध्य रोग, जैसे ऐसा रोग हो जो समाप्त नहीं हो रहा हो, कैंसर, किडनी, लीवर, या किसी का डायलिसिस चल रहा हो, या लीवर काम नहीं कर रहा हो, या शरीर की कोई हड्डी जुड़ नहीं रही हो, तो जो जल शिवजी को लोग चढ़ा रहे हैं वो जल को आचमन कर लेना, और आचमन शंकर भगवान की छोटी बेटी अशोक सुंदरी के नाम से करना, उसका आचमन केवल अशोक सुंदरी के नाम से, और शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक जन्म नंदनवन में, जन्म नंदनवन मतलब काशी, घर के छोटे बच्चों को भी बोलो, बड़ों को भी बोलो, बुजुर्गों को भी बोलो, चलो एक लोटा पानी चढ़ाते हैं। चलो अगर कैंसर का रोग है या किडनी या लीवर या बुखार, पेट से जुड़ा हुआ, सिर से जुड़ा हुआ, कंधे से जुड़ा हुआ या घुटने से जुड़ा हुआ, या रीढ़ की हड्डी में कहीं पानी भरा गया हो, या कमर झुक रही हो, कोई भी रोग उधर से लेकर शरीर के अंदर में भागता है और वो बेकार हो, तो बैसाख का महीना चल रहा है, राकेश देवी जी बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन, बैसाख के महीने की जो शिवरात्रि आई, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो बैसाख की जो शिवरात्रि है इस शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे 11 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा बेल का फल मिल जाए, उस फल का थोड़ा सा भाग, या तो बेल का फल का अगर छिलका मिल जाए तो उसमें पानी भरकर तांबे के लोटे में डाल दो, या बेल का फल नहीं मिले तो बेलपत्री को लेके उसमें डुबो दो और डुबो के बेलपत्री को बाहर निकाल दो, वो पानी भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की जो शिवरात्रि है, बैसाख महीने में प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में शंकर भगवान को अपना रोग और बीमारी शंकर भगवान को जल समर्पित कर रहा हूं, आप विश्वास रखकर चलना, भगवान शिव की सुबह के समय जाकर, और अगर बेलपत्री का पानी नहीं मिले तो मिट्टी के पात्र का पानी, आपको प्रथम कहा
मिट्टी के पात्र का पानी वो भी शंकर भगवान को समर्पित कर सकते हैं। जल बैसाख के महीने में शंकर पर शीतल जल समर्पित कर देने से शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं। रोग और अगर शीतल जल का दर्शन करना हो तो महाकालेश्वर आप लोग लाइव दर्शन करते हो महाकाल के, तो महाकाल के दर्शन करेंगे तो बैसाख महीने में पांच पांच घड़े मिट्टी के महाकाल राजा के ऊपर मंदिर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। कभी आप लोग चकलेश्वर महादेव जाए मथुरा वृंदावन में गिराकी की परिक्रमा, चकलेश्वर महादेव पर पांच पांच मिट्टी के घड़े शिव जी के ऊपर मान दिए जाते हैं। कभी काशी जाए तो वहां पर मिट्टी का घड़ा शिव जी के ऊपर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शिव से जुड़ता है, तो जो उस जल को समर्पित करता है वो रोग से मुक्त हो जाता है, बड़ी बीमारी में घिरता नहीं। बैसाख के महीने में सत्तू जल और सत्तू चाइना से नहीं आया, इंडिया में बनेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर अपने दिल की बात कहने पर कार्य सफल होता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम कपूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। सत्तू बारह महीने खाओ मत खाओ, कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूरत और सत्तू चाइना से नहीं आया, इंडिया में बनेगा। भारत में मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ प्राण बचेगी, पहले सुन लो। और जिसके पास में गरुड़ प्राण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन 47 days 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन 10 दिन तक तो जीवात्मा घर के तारीफ करती, मरने के बाद 12वें दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है, व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, वो सीधे बेतरणी से पार उतर जाता है, वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में करुण पुराण में कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान तीन चीजों से मिलकर बनता है, जौ बोलते जा गेहूं चना, ये तीन चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने तीन चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, अब ये वितरणी करने के लिए 47वें दिन जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है उसको वितरणी नहीं होना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट। मैंने भी देखा किस किस का बनता है, मैंने बन गया बैसाख में बनता होगा। पहले गांव के लोग कीर्तन करने जाते थे, गांव का लोग कीर्तन करने जाता था, कोई सामान नहीं लिया, सत्तू बांधी बोतली में धरा यूं और पानी में घोलिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में घोल घोल कर पूरी सेना को पिलवाता है, फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध में सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण तुम्हें कम करना है, अभी जब खरीदो तो कागज पर रखकर सत्तू का एक कण गिनना, एक दो तीन बारीक बारीक गिनते रहना जरा। तो तुम्हारा क्या गिनने में भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंदी थी तो उन्होंने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, गिनते रहा इसमें कितने धागे। रुक्मणी जी ने कहा इसमें 9999 धागे हैं, भगवान ने कहा बस यही 9999 मुझे द्रौपदी को वापस लौटाना है। गिनती लगा अभी अभी लगा लो ऊपर तो भगवान गिनती बताई देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन पूर्णिमा के दिन या क्षत्रिया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था भगवान को गिनती बता देगा कि सत्तू में कितना कण था, और अगर नहीं बताया तो आंदोलन कर देगा। क्या मैं बताऊं पहले आपने कितना सत्तू दिया था कितने कण थे बताना। शिव की अनाथ नाम है चंगुना, एक लोटा जल भरा उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर डाल देती, थोड़ा सा जल बचाकर शिव जी को डाल देती। शंकर भगवान ने चंगुना के सामने मन में विचार प्रकट करा और पार्वती जी से कहा, पार्वती एक बात समझ में नहीं आती, आधा जल ये बेलपत्री को देती है आधा जल मुझे देती है, जब आधा जल मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि बच्चे और बूढ़े ये दोनों एक समान है, बच्चों को थोड़ा सा भी उसकी सामग्री में से उसकी चॉइस की चीज में से तोड़ के अगर दूसरे को दे दिया तो बच्चा यूं फेंकेगा वो जाके और मुंह फुला के बैठ जाएगा, नीक नीक मुझे तो पूरा जाइए फ्रीज में से वापिस पूरा पूरा आम निकाल के लाइए और आम देगी ये पूरा है चक्कू से कटा नहीं देते छोरा भी ताएगा पूरा घुमा घुमा के देखे। प्रिया प्रिया उठा, दो मिनट में मीटिंग है तेरी, चल कोई सही पूरा दे दिया। बच्चा ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है बूढ़ा, पति को भोजन दिया तो उसमें चटनी रख दी, जीरा मन रख दिया, पापड़ से रख दिया, और बूढ़ा व्यक्ति भोजन करा तो उसमें कहीं नहीं तो बूढ़े की निगाह में कहीं जाता कि बताओ अपनी तो वैल्यू भेज दी, तो बच्चे के मन में और बुजुर्ग के मन में आ जाता बच्चा बुढ़ाई का। भगवान ने कहा ये आधा जल का ढोल दिया है, पार्वती ने कहा उसके संतान नहीं है इसलिए वो बेलपत्री की आराधना करती है और आपकी भी आराधना करती है, ठीक है। भगवान देवदत्त महादेव ने देखा चंगुना ने बहुत सेवा कर ली, आज भगवान सुंदर एक संत का रूप धरकर चंगुना के दरवाजे पर पहुंच गए अलग जगह। चंगुना दौड़ कर बाबा जी आइए,
क्या लाऊं मैं आपके लिए? भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। बाबा ने सब दूर से भिक्षा ली और चांगुना जैसी परात भरकर रानी चांगुना देवी जज खूब सारा सामान लेकर आई तो बाबा ने मना कर दिया, मैं आपके हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता, मुझे नहीं लेना। क्यों? कहा आपकी संतान नहीं है, आपकी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, और अगर आपकी संतान नहीं है तो आपके हाथ की भिक्षा लूंगा तो मैं भिक्षा लेकर जाऊंगा कहां? मुझे आपके हाथ की भिक्षा नहीं चाहिए। इतने में